हेलो एवरीवन, जैसा कि हम कल बोले थे कि आप लोग को यूट्यूब पे मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम चैप्टर लेकर आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बेसिक है, आसान सी टॉपिक है और इस चैप्टर का जरूरत हर जगह हर सारे चैप्टर में पड़ेगा, इसलिए हम लोग सबसे सिंपल टॉपिक के बारे में पहले पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम लोग को नंबर के बारे में, संख्या के बारे में पढ़ा जाएगा। नंबर को किस पद्धति में लिखा जाता है, कैसे कैसे कौन कौन सी संख्या होती है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली यही सब पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि हमारे मैथ में टोटल जो है 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, पूरे मैथ में यही 10 अंक से मेरा जितनी भी संख्या बनती है इन्हीं 10 अंक से मिलकर बनता है, या 2 अंक को मिला, 3 अंक को, 4 अंक को, जितनी संख्याएं बनेगी सब में हम लोग को यही 10 अंक का जरूरत पड़ेगा। तो टोटल नंबर हम लोग का पूरे मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं, तो 10 अंक होंगे। और 10 अंक कौन कौन होंगे ये सब अब हम लोग इस नंबर को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण करेंगे। कैसे? तो इस सारे नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक में वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरे पार्ट में हम लोग काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इसका मतलब कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सिर्फ इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, इसको हम लोग को सिलेबस में कंपटीटिव एग्जाम में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक बात बता दें, इतना छोटा बोर्ड है कि हम पूरा लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर सारा संख्या आ जाता है, काल्पनिक संख्या को छोड़ दे। काल्पनिक का मतलब है कि रूट अंदर माइनस वन, रूट के अंदर निगेटिव आ गया, इसको मतलब इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब होता है आयोटा आई, जो कि इंटर में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बांट देते हैं इंटीजर पूर्णांक में, फिर फ्रैक्शन में। तो जितनी सारी संख्याएं हैं वो सारा का सारा मेरा वास्तविक संख्या के अंदर आएगी, बस इतना सारा वास्तविक संख्या के लिए समझना। आगे देखिए, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर में ही सारा संख्या आता है, तो कौन कौन संख्या है जो रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहला मेरा है प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए हम लिखेंगे कम, बोलते जाएंगे आप लोग को, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या उसे बोलते हैं जो एक से शुरू होती है, एक से, या फिर उसे बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनिट तक, दूसरा में बात करें तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या फिर इसको इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो होल नंबर,
होल नंबर वैसी संख्याएं को बोलते हैं जो प्राकृत संख्या तो है ही, सिर्फ प्राकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाती है। इसका मतलब कि जो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मेरा टोटल नंबर जो था, टोटल अंक जो था जीरो से लेकर दस तक था, यही दस अंक से सब मिलेगा, सॉरी नौ तक, इतना ही से मेरा सारा संख्या बनेगा। तो जब देख रहे हैं कि जीरो से जो शुरू हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं होल नंबर, एक से शुरू हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब क्या करते हैं, इसको आगे बांट देते हैं सम संख्या में और विषम संख्या में। सम संख्या का इंग्लिश इवन नंबर, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर। सम संख्या उसे बोलते हैं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी किसी संख्या में दो से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका, उसे बोलते हैं हम लोग सम संख्या। और जब दो से भागा देते हैं अगर वो नहीं कट रहा है इसका मतलब वो विषम संख्या है। जैसे हमें बात करें तो दो चार छः आठ दस इस तरह से, ऑड नंबर एक दो से नहीं कटेगा, तीन दो से नहीं कटेगा, पांच दो से नहीं कटेगा, सात दो से नहीं कटेगा, तो इसको बोलेंगे ऑड नंबर। अब रह गई बात कि सम संख्या हम पॉजिटिव लिए इसको हम निगेटिव भी ले सकते हैं। जैसे कि बात करें कि माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट, ये सारे भी है जो दो से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको भी हम लोग लेंगे सम संख्या में। और माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन, निगेटिव पार्ट को भी हम लोग विषम संख्या में लेंगे जो दो से नहीं कटता। अब यहाँ बात रह गया कि सारा संख्या को तो हम लोग ले रहे हैं, अब जीरो के बारे में तो बात नहीं की, तो बताइए कि जीरो को हम क्या बोले कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है जीरो। तो जीरो के बारे में हम लोग बात करेंगे, जीरो जो है अगर जीरो में दो से भाग दिए तो इसका मतलब जीरो होता है, आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो एक बात जान लीजिए कि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या उसमें अगर जीरो से भागा देते हैं तो इसका रिजल्ट मेरा इन्फिनिटिव आता है, और अगर जीरो में कोई भी संख्या से भाग दे तो मेरा जीरो है। तो जीरो में दो से भाग दे रहे हैं इसका मतलब कि ये कट जा रहा है, और जब कट जा रहा है इसलिए जीरो मेरा क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी कि इवन नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीरो सम है या विषम है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जीरो जो है ये सम संख्या है, तो जीरो जो है मेरा सम संख्या है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं या बोलते हैं कि सर जीरो में दो से भागा दिए तो जीरो आ गया, जीरो में तीन से भी भागा देंगे तो भी कट जाएगा जीरो आ जाएगा, तो ये तो विषम होना चाहिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जीरो में दो से भाग दे फिर भी जीरो, जीरो में तीन से फिर भी जीरो, तो ये तो विषम, ऐसे तो सम, बिल्कुल गलत है बात। सम और विषम पहचानने का ये रूल नहीं है कि हम तीन से भाग देकर चेक करेंगे, सम और विषम को चेक करने के लिए सिर्फ दो ही से भाग देंगे, ऐसा नहीं कि तीन से देंगे। अगर तीन से देना होता और उससे विषम पता चलता तो छह को हम तीन से भाग देते, तो तीन दूनी
कट जा रहा है, इसका मतलब कि छ सम है, छ विषम है, नहीं। यानी कि सम और विषम को हम लोग जानने के लिए सिर्फ दो से विभाज्य होना चाहिए, न कि तीन से, पांच से, सात से, ये सब से नहीं। तो इसलिए जीरो दो से विभाज्य है, इसलिए जीरो जो है सम संख्या है। आ जाते हैं, अब हम लोग आते हैं कि एक चीज होती है दो से कटने वाला, कोई संख्या होगा दो से अधिक, तीन से भी कटेगा, पांच से भी कटेगा, तो उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, और एक भाज्य संख्या जो कि कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या वो होता है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, जो एक और अपने आप से कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होगा कि एक से भी कटेगा अपने आप से भी, और कोई एक ऐसा भी संख्या होगा जिससे एक कटेगा। जैसे बात कर लें 6, 9, एक से भी कटेगा, छह से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, तो ये सब जो हो जाएगा कंपोजिट नंबर में आएगा। लेकिन प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं से विभाज्य, और इसके साथ साथ या फिर बोल सकते हैं कि जिसका सिर्फ दो भिन्न फैक्टर हो, यानी दो अलग अलग फैक्टर हो, दो भिन्न फैक्टर हो। दो भिन्न फैक्टर का मतलब कि अगर पांच को ले तो पांच का फैक्टर कौन कौन, एक और पांच, इसके सिवा कोई नहीं कटेगा। इस अगर छ की बात करें तो एक भी है इसका फैक्टर, दो भी है, तीन भी है, छ भी है, तो हमें चार फैक्टर नहीं चाहिए, एक फैक्टर नहीं चाहिए, तीन फैक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर चाहिए, और दोनों फैक्टर अलग अलग होना चाहिए। अब रह जाता है बात कि मेरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, जो एक और दो से कटेगा। उसके बाद तीन है, पांच है, सात है, नौ नहीं है, क्योंकि तीन से भी वो कटता है, ग्यारह है, तेरह है, इस तरह। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक को सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना गया, तो हम अभी बोले कि जिसका दो को भिन्न फैक्टर होना चाहिए। दो भिन्न फैक्टर का मतलब देखिए, दो का एक फैक्टर है, एक दो, दोनों अलग अलग है। अगर हम एक को अभाज्य संख्या मानेंगे तो एक फैक्टर है और उसके अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं, सिर्फ एक से कट रहा है, तो इसलिए हम लोग एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मेरा दो होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा कितना होगा, तो दो होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, यानी कि दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, नहीं तो दुनिया की सारी अभाज्य संख्याएं विषम है।
क्योंकि अगर सम होगा तो दो से तो कटेगा ही, तो दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सिर्फ सम संख्या है। आगे देखिए प्राइम नंबर के बारे में। एक बात गौर करने वाली बात हम बता रहे हैं कि जितने भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जितने भी प्राइम नंबर है वो 6x ± 1 के फॉर्म में होता है। आप लोग जितने अभाज्य संख्या बोल लीजिए, जैसे 11 ले लेते हैं तो 6 में 2 से गुना किए, 1 घटा दिए, 11 है। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं कि 31 ले लिए, तो 6 × 5 + 1। हम लोग 23 ले लिए, 6 × 4 − 1, यानी कि जितना जो अभाज्य संख्या होगा सारा का सारा इस फॉर्म में होगा। x के जगह 1, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, लेकिन 6 × x + 1 जोड़ेंगे या 1 कम है। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी इस, एक बात समझिएगा ध्यान से, जो इस फॉर्म में रहेगा वो अभाज्य होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी अभाज्य संख्या है सारा का सारा इसी फॉर्म में होगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं बात कि जितनी अभाज्य संख्या है सारा का सारा इसी फॉर्म में होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इस फॉर्म में होगा वो सारा अभाज्य होगा। जैसे देखिए 6 × 4 किए, + 1 कर दिए, 25 आ गया, तो ये तो इस फॉर्म में है लेकिन 25 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 से निकलता है। तो यही बात समझना है कि जो अभाज्य संख्या होगा वो इस फॉर्म में होगा, लेकिन जो इस फॉर्म में होगा सारा का सारा अभाज्य नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या की बात हो गई, अब चलिए परिमेय और अपरिमेय। एक संख्या होती है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये सारी चीज आप लोग पहले भी जानते होंगे, ऐसे ही हम बता रहे हैं कि बाद में कोई ये नहीं बोले कि इसके बारे में पता नहीं है। तो परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या का हम लोग बचपन से डिफिनेशन जानते हैं कि जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जाए, और ये क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 होगा तो अभी बताएं किसी भी संख्या हम 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी बनता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस फॉर्म में होगा, लेकिन अपरिमेय जो होगा पी बट्टा क्यू के रूप में, पी बट्टा क्यू के रूप में मेरा नहीं होगा। इसका मतलब कि कैसे होगा? तो ये जो होगा पॉइंट में होगा या रूट में होगा जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, √2, √3 इस तरह से, या फिर 1.777 ये बढ़ते जाए। लेकिन ये जो होगा 7/3 या फिर −3/4 पी बटा क्यू के रूप में है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग 5 भी, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो ये सब जो होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एक कंसेप्ट है कि पाई जो होता है, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि 3 point something, और ये जो है 22/7 पी बटा क्यू के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय बोलते हैं। इसलिए जहां भी बात होगी
पाई के बारे में तो बोलेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक टर्म होती है पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर वो होता है जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को मिलाकर पॉजिटिव या पॉजिटिव यानी धनात्मक या ऋणात्मक सारे संख्या को, पूर्णांक का मतलब ही है पूरा पूरा अंक, इसका फ्रैक्शन नहीं, 1/2 नहीं, 3/5 नहीं, यानी पूरा पूरा 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक। पूरा पूरा जो रहेगा वो होगा पूर्णांक। उसके बाद हम लोग एक चीज देखते हैं, एक संख्या होती है को प्राइम नंबर, इसका जरूरत एलसीएम एचसीएफ में पड़ता है। एलसीएम एचसीएफ में सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ एक है, वैसा दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे मैं बात कर ले 2, 3 का, 5 और 9 का, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं आएगा तो जाहिर है कि एचसीएफ एक आएगा। 7, 11 या 7, 10, बहुत सारा संख्या ले सकते हैं जिसका एचसीएफ एक है, इस सबको बोलेंगे हम लोग कोप्राइम नंबर। इसका ध्यान में रखिएगा, पूरा एलसीएम एचसीएफ में इसका जरूरत पड़ेगा। एक संख्या होती है हम लोग का ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर उसे बोलते हैं, वैसी प्राइम संख्या, ट्विन मतलब दो, यानी कि दो ऐसा प्राइम संख्या जिसके बीच का गैप 2 हो, किसे बोलेंगे, दो ऐसी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो। जैसे मैं बोल सकते हैं इसमें जो है प्राइम नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर 3 लिए तो 5, और देखेंगे कि 3 और 2 दोनों के बीच डिफरेंस तो है, और दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए। जैसे मैं बात कर ले 7 और 9 या फिर 7 और 11, तो 7, 11 को हम ट्विन प्राइम नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है, इसलिए इसको नहीं बोलेंगे ट्विन प्राइम। जबकि देखिए 11 और 13 दोनों जो है प्राइम नंबर है, दोनों के बीच गैप, ठीक है। जैसे 41, 43, 29, 31 सब के बीच में गैप 2 है और दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, ठीक। तो नंबर के बारे में हम लोग पढ़े कि कौन कौन संख्या होती है, अब हम लोग देखेंगे कि वही सारी संख्या को मिलकर कोई नंबर बन गया, कोई संख्या बन गया 2, 3, 7, 8, तो इसमें 7 का 3 का किसी भी संख्या को बोलेगा कि स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसका मतलब प्लेस वैल्यू, और जातीय मान यानी फेस वैल्यू, या अंकीय मान इसी को भी बोलता है। तो इसमें हम लोग जातीय मान या अंकीय मान फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, जिसका जातीय मान पूछेगा, जैसे इसमें पूछेगा कि 7 का जातीय मान तो 7 ही जातीय मान स्वयं
वही संख्या होती है। मान लेते हैं कि इसमें आठ का जातीयमान आठ, किसी भी संख्या में पूछेगा पांच का जातीयमान, चार का जातीयमान कितना चार, तीन का जातीयमान तीन, दो का जातीयमान दो। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि आठ का स्थानीय मान, तो आठ को देखेंगे कि लास्ट से इकाई अंक पे है, इसका मतलब ये आठ। सात का, तो सात को हम लोग क्या करते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका पूछेगा उसको लिख देंगे और उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। अगर इसमें तीन का पूछेगा तो तीन लिख देंगे और तीन के बाद दो अंक है तो दो जीरो। अगर इसमें दो का पूछे तो दो लिख देंगे और दो के बाद एक दो तीन जीरो है तो तीन अंक है तो तीन जीरो बैठा देंगे। क्वेश्चन हम लोग का इसी तरह पूछता है कि इसमें तीन का स्थानीय मान और जातीय मान का, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसमें पूछेगा कि तीन का जातीय मान तो कितना तीन यानी तीन, आठ का तो आठ, तो ये होती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू में एक चीज और होती है, ये तो जो नंबर है इस तरह से अगर पॉइंट में नंबर दिया है, जैसे मान ले कि इस तरह से मेरा नंबर है 12.378, तो पॉइंट का स्थानीय मान कैसे फाइंड करते हैं कैसे पता करते हैं, तो देखिए मान लेते हैं हमको सात का स्थानीय मान चाहिए तो हम सात लिख दें। अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो इसका स्थानीय मान कितना सात है, इसके बाद एक कम यानी कि सत्तर। और अगर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के जगह एक, जितना अंक है बाद में उतना जीरो, इसका मतलब इसका स्थानीय मान जो है सात का सात बटा सौ, या फिर बोल सकते हैं इस तरह से। अगर तीन का पूछे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट के बाद नंबर का स्थानीय मान पूछेगा, पॉइंट के बाद तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट के बदले में पॉइंट लगा दिए और तीन है तो तीन कर दिए। अगर सात का पूछा तो पॉइंट और जो है जीरो। अगर आठ का पूछता हम क्या करते हैं पॉइंट के बदले में पॉइंट और इसके पहले दो गो अंक है तो दो गो जीरो। लेकिन इसमें अगर एक का पूछे एक कर दिए, अगर पॉइंट नहीं होता ऐसे तो जान रहा है कि पॉइंट के बाद नहीं पॉइंट के पहले लेंगे तो इकाई दस होगा। लेकिन अगर पॉइंट नहीं होता तो कितना होता, एक पे चार जीरो, चार जीरो। और अगर पॉइंट हटाएंगे तो मेरा एक पे तीन जीरो कट गया यानी कि दस का दस। तो इस तरह से